आइए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इन टू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। बेसिकली जय और विजय पार्टनरशिप में आए, दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल्स ऑफ ₹80,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल्स 80,000 और 50,000 है। एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, प्रॉफिट 3:2 में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या है कि IOC मिलेगा 9% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 7,800। फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 7,800 का। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट प्रिपेयर करिए जल्दी से, मैं चाहूंगा वीडियो पॉज करके करिए, और इसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा भी। आइए मैं यहाँ पे करता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें एक ना स्पेशल पॉइंट है, इसकी वजह से क्वेश्चन हमने पिक करा है। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट 7,800, इसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लिख रहे हो टू IOC जय एंड विजय, है ना बेटा? IOC निकालो 9% 80,000 का, तो आ जाएगा 7,200, और इसका आ जाएगा 4,500, विच इज 11,700। आप में से कई बच्चे यही काम कर रहे होंगे। बेटा एक पॉइंट बताना, जब प्रॉफिट ही 7,800 का है तो 11,700 कैसे बांटोगे? अरे जब हाथ में ही पैसा 7,800 यानी 7,800 है तो 11,000 बांट सकते हो, खुद सोचो। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर आप नोटिस करें क्या हुआ, प्रॉफिट कम पड़ गया, प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो गया। तो यही एक पॉइंट मेरे को आज बताना है इसमें, सॉरी यही एक पॉइंट हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो क्या है, एक छोटा सा नोट लिखेंगे अब हम, व्हेन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट यानी कम हो, जब प्रॉफिट कम हो, देन द अवेलेबल प्रॉफिट will be distributed in ratio of appropriation। मैंने इस appropriation word पे जरा जोर दिया, इसका मतलब है जब profit कम पड़ा हो तो जो profit यानी जितना प्रॉफिट मेरे पास है उसको मैं एप्रोप्रिएशन यानी जितना जितना दोनों को मिलना था उस रेशियो में बांटूंगा। समझो कैसे, ये तो क्या नोट। अब इधर देखो, प्रॉफिट यहां पे 7,800 चाहिए, कितना था 11,700, प्रॉफिट कम है, हियर प्रॉफिट कम पड़ गया, इनसफिशिएंट है। द प्रॉफिट यानी 7,800 का जो प्रॉफिट है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो 7,800 का प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना जितना दोनों को देना था। भाई कितना देना था, उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। जय को देने थे 7,200 और विजय को 4,500, इस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटेंगे, यानी 8:5। ठीक है, अच्छा जिनको नहीं आता उनके लिए बता दूं कि रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो जिस कॉमन टेबल में दोनों कट रहे उससे काटो, पहले तो 100 के में गए कट गए और 9 के पे गए 8 और 5। अच्छा क्लास एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके टीचर्स आपको बोले बेटा जब प्रॉफिट कम पड़ता है तो हम कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। इस क्वेश्चन के लिए वो पॉइंट वर्क करेगा, बट एक और क्वेश्चन है आपकी TS में, वहां वो पॉइंट वर्क नहीं करेगा, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कबीर पारुलन जोरावर वाला क्वेश्चन है, मैं भूल गया क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो ध्यान रखना किस रेशियो में लो, जितना जितना देना था, एप्रोप्रिएशन। ओके।
आइए, यानी कितना हो जाएगा जय का 7800 का 8:5 में बांटो इंटू 8/13, विजय का 7800 का इंटू 5/13 तो याद आएगा आपका 4800 और याद आएगा 3000। बस ये एक पॉइंट था छोटा सा। करिए सो नोट, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आओ बेटा अब करते क्वेश्चन नंबर 7। सीता एंड गीता, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सीता और गीता पार्टनर्स हैं 3:2 में। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने लोन दिया कितने का, 30,000 का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कब दिया, 1 अक्टूबर 2022 को, जो 30,000 का यानी मिला के है, सेपरेट नहीं है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कुछ नहीं कहा। कॉमन से सोच के बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट लगता है जब कुछ ना मेंशन हो? फिर से बोलोगे सर 6% पर एनम, याद है? बस क्या कहते हैं, कैलकुलेट करना इंटरेस्ट कितना होगा। तो 2 मिनट का खेल है बेटा, आपको पता है 6% पर एनम का इंटरेस्ट होगा, राइट? तो पहले निकाल ले सीता का लोन कितना है। सीता गीता का जो रेशियो 3:2 है, अब एस ने लोन कितने का दिया, 30,000 का 3/5, सो दैट वुड बी 18,000। और गीता का सीधा सा आ जाएगा 30,000 का 12/5, दैट इज 12,000, राइट? अब इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। आई वाल कितना होगा, 6% पर एनम। तो बेटा एस का कितना बैठा, 18,000 का 6/100, 1 अक्टूबर को है यानी 6 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ठीक है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया, इंटू 6/12, 540। और गीता का निकालो इसी तरह तो वो 360 आएगा। ये तो सिंपल था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको एक पॉइंट पूछना चाहूंगा। अगर आपको जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अगर आपके दिमाग में इसके आंसर आ रहे हैं तो समझ जाओ आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से वो भी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन बेटा, ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है? पहले आंसर चार्ज। अच्छा सेकंड ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है तो चार्ज वाली आइटम कहाँ जाती है, P&L अकाउंट में या P&L एप्रोप्रिएशन में? आंसर इज P&L अकाउंट, राइट। अच्छा लास्ट पॉइंट, पक्का लास्ट, बेटा एक बात बताओ, क्या हम चार्ज वाली आइटम को प्रॉफिट में से पहले माइनस कर देते हैं, P&L का जो P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है? आंसर इज यस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पढ़ लो क्या कहता है। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। बैट और बॉल पार्टनर्स हैं 2:3 में, विथ कैपिटल्स ऑफ 1,20,000, कैपिटल 1,20,000 और 60,000 है। ऑन 1 अक्टूबर 2022 बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ ₹2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। बैट और बॉल ने लोन दिया है। Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000. That's an important one. Bat ने allow करा कि आप मेरी property use कर लो, कितने पे, 5,000 रुपये महीना, 5,000 rupees per month पे। Loss for the year ended 31st March before rent and interest amounted to ₹9,000. इस line को समझना। Loss before rent and interest, याद है before का meaning बताया था, लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट इज 9,000। इसका मीनिंग क्या था, बिफोर मतलब वो वर्क नहीं करा अभी तक, ये वो काम नहीं करा भाई। रेंट और इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, अभी आपसे पूछा था, आप बोल के सर माइनस करते हैं, है ना, यानी अभी तक मैंने माइनस नहीं किया। पॉइंट क्लियर, कितना है, 9,000 का लॉस है।
शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। दो मिनट का खेल है, आओ देखते हैं कैसे। पहले निकाल ले कि रेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि रेंट याद हो मैंने बताया था रेंट भी आपकी चार्ज होती है, कंपलसरी देना ही देना है, चाहे फायदा हो चाहे घाटा हो। और जिसको नहीं याद है उसके लिए एक बार मैं दिखा देता हूँ, हमने लिखा था चार्ज वैसे, ये रहा यहाँ पर देखिए, ये हमने रेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेंट क्या हमारी चार्ज। तो बेटा जल्दी से मेरे को बताओ रेंट कितने का हो जाएगा, 5,000 × 12 = 60,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो, जल्दी 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 निकालेंगे हम। बैट, बैट को मैं B1 बोल रहा हूँ, बैट को मैंने B1 बोल दिया। कितना है, 2,40,000। सर इंटरेस्ट का रेट है ही नहीं, 6% पर एनम, 6% × 6/12, 2,40,000 का तो हो गया 7,200। और बॉल का B2 लिख रहा हूँ मैं, 3,600 आ जाएगा। ओके अब मेरे को बताना है प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए P&L अप्रोबेशन बनाना आपकी चॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा कि आपको बनाना ही बनाना है। अब बेटा मैं बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बनाऊंगा, कैलकुलेशन तो आप खुद ब खुद कर लोगे। क्या करते हम, मेरे को बताओ नेट लॉस कितने का हो जाएगा मेरा फाइनली। नेट लॉस 9,000 लॉस है, घाटे में घाटा बढ़ जाएगा, समझो लॉस है, ऑलरेडी माइनस की आइटम है, ठीक है। लॉस मतलब नेगेटिव, और हम क्या कर रहे हैं, ये भी मिल लिए खर्चा हो गया, तो ये भी माइनस। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उनके लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बेटा मान लो आप 10,000 के कर्जे में डूबे होते, लेट सपोज, ठीक है, 4,000 का कर्जा एक और सर पे आ गया, ओके। अब खुद बताओ टोटल कर्जा कितना हुआ, 14,000। सेम पॉइंट यहाँ है, ऑलरेडी घाटा था 9,000 का, 7,200 और 3,600 के दो लॉसेस और आ गए, तो घाटा बढ़ेगा ना, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा मेरा, और 60,000 रह गया, ये भी आएगा, तो 69 ऐड कर लेते हैं इसको, 69 और 72 मेरा हो गया 76,200 प्लस 3,600, तो मेरा हो गया 79,800। तो टू नेट लॉस आ गया मेरा 79,800। ओके लेट्स कंफर्म, 69 हाँ कुछ गलती लग रही है थोड़ी सी, देखते हैं 76,200 ठीक तो आ रहा है, हाँ ठीक है। अब इसके आगे तो करना आपके लिए, दो मिनट का खेल है, टू नेट लॉस। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये चॉइस आपकी, आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, कि B1 का लॉस कितना हो जाएगा 79,800 का 2/5, ये आपकी टोटली चॉइस है। क्या लिखूंगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कौन कौन है, बैट एंड बॉल, तो मैं इसको बांट रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट यहाँ से देख रहा हूँ 3,1,920,47,880 पॉइंट क्लियर। अच्छा एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ नेक्स्ट के लिए, ध्यान सुनना, अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए घाटा है, राइट। अगर मान लो पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम। इसको समझो कैसे, क्या जरूरी है हर बार पार्टनर ही लोन देगा फर्म को, रिवर्स भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नोबिता सुनियो जियान, अब जियान को क्या हुआ, लोन की जरूरत पड़ गई, बैंक लोन दे नहीं रहा, उसने क्या करा, उसने बोला फर्म को, फर्म भाई यूं की फर्म है, तू मेरे को ना लोन दे दे 10,00,000 का, मैं तेरे को ना ये 2 साल में चुका दूंगा और इंटरेस्ट भी देता रहूंगा, राइट, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आप सबके लिए, 1 मार्क का, मेरे को ये बताओ
इंटरेस्ट बोला ही नहीं, कितना परसेंट, ये जो जियान है ये कितना इंटरेस्ट देगा फर्म को, आंसर इज जीरो। क्यों? सो 6% फर्म देगी पार्टनर को, ध्यान से सुनो, फर्म जब इंटरेस्ट पे कर रही है, जब फर्म इंटरेस्ट दे रही है, यानी यहां लोन पार्टनर ने दिया, इस केस को समझो, अगर रिवर्स केस लूं, इस बार लोन जियान ने दिया, किसको दिया, फर्म को 10 लाख का, तो ड्यूटी फर्म की है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। यहां उल्टा है, यहां लोन फर्म ने दिया है जियान को, तो जियान इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, अगर बोला है तो ठीक है, नहीं बोला तो 0%, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये हिंट दे रहा हूं ना आपको, आपने ये जो इंटरेस्ट है मान लो हमारा 10% पे है, फर्म को 10% मिलेगा, ये प्रॉफिट में ऐड होगा, ये प्रॉफिट में ऐड होगा, और यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16 में फॉलो होगा, यही कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 में फॉलो होगा। ओके, ये हिंट दिया, करिए से नोट, फिर आगे चलते हैं हम लोग।